हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं या समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है? समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। दोनों में फर्क पड़ता है कि नहीं? जब मैं कहता हूं कि मैं समस्या से पीड़ित हूं, तो समस्या सास है, समस्या पति है, समस्या प्रिंसिपल है, समस्या व्यवस्था है, समस्या नेता है, समस्या बाहर है। जब मैं कहता हूं कि समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है, जब मैं कहता हूं कि समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है, तो अब किधर है? अब किधर है? अब मुझ में है। अब मुझ में है। क्या चीज है? दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना मेरी समस्या है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में ना बदल पाना मेरी समस्या है। हाँ जी, नंबर एक, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना, दूसरे की अयोग्यता उसकी समस्या है, ये ठीक है। दूसरे में समस्या है, ये ठीक है, लेकिन उसकी अयोग्यता से पीड़ित होना मेरी समस्या है। उसकी अयोग्यता से पीड़ित होना और उसकी अयोग्यता को योग्यता में ना बदल पाना, यह समाधान का ना होना है। तो मिनिमम मिनिमम स्वयं में विश्वास का मतलब है, मिनिमम स्वयं में विश्वास का मतलब है कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना। मैक्सिमम दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने का सहयोग दे पाना। कुल इतना काम है। तो एक बात समझ में आई, मैं समस्या से पीड़ित होता हूं या समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है? समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है।